So guys, second cue card ke follow-ups aa chuke hain. Okay, so your first question is, do you prefer books or movies? क्या आप मूवीज प्रेफर करते हो कि बुक्स प्रेफर करते हो? तो यहाँ पे आंसर इसका बताया हुआ है कि भाई मैं तो मूवीज ही प्रेफर करूँगा. अगर मैं बुक्स प्रेफर करूँगा तो इंटरेस्ट चला जाएगा, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई प्रेफर मूवीज रेदर देन बुक्स एज वी कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी विद इन 2 to 3 hours. मूवीज में 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर सारी की सारी स्टोरी हम समझ लेते हैं. ठीक है, मोर ओवर मूवीज जनरेट एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन अस. हम में एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट करती है क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल्स होते हैं, आप ऐड भी कर सकते हो ये वाली चीज़. हाउ एवर बुक्स रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. बुक्स में ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं. ठीक है जी, ओके जी, व्हाट्स द सेकंड क्वेश्चन? ओके, सो डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड द बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी वर्जन ऑफ इट? सेकंड क्वेश्चन ये है कि मूवी देखने से पहले क्या आपको बुक्स रीड करनी चाहिए? तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर बनाया हमने. आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज नॉट असेंशियल टू रीड अ बुक प्रायर टू अ मूवी. Prior to मतलब before a movie, ठीक है जी, because reading a book will reduce our curiosity regarding what will happen next. आगे क्या होगा इसके regarding जो हमारी curiosity है वो books read करने से खत्म हो जाएगी. ठीक है जी, okay जी, let's move to third one. इसके 4 ही हैं. Okay, so do boys and girls like the same kind of books? क्या boys and girls को same kinds of books पसंद हैं? तो वैसे ये ना अगर boys and girls पे आ जाए तो discrimination वाली line आप add कर ही दो. पिछले वाले cue card के follow-ups में भी हमने करा, इसमें भी करेंगे. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बोथ द जेंडर्स इज डिमिनिशिंग विद ईच पासिंग डे. ठीक है जी, डे बाय डे कम होती जा रही है. सो मोस्टली दे प्रेफर सेम टाइप्स ऑफ बुक्स. हाउएवर बॉयज चूज एक्शन एंड गर्ल्स लाइक रोमांटिक. फिर भी हमने बता दिया कि बॉयज को एक्शन पसंद है, गर्ल्स को रोमांटिक मूवीज पसंद है. ठीक है जी, ओके जी, लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू इंडियन पीपल लाइक टू रीड. किस तरह की बुक्स इंडियन पीपल ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वैसे तो ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड है, बट फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया यंगस्टर्स क्या प्रेफर करते हैं. वो साइंस फिक्शन करते हैं, चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स, एल्डर पीपल आप बोल सकते हो कि कोई भी अपने ट्रेडिशनल या फिर कल्चर के रिलेटेड बुक्स होगी. ठीक है जी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन चॉइस. एज यंगस्टर्स प्रेफर साइंस फिक्शन, चिल्ड्रन रीड कॉमिक्स एंड द ग्रे हेयर्ड पीपल या फिर द एल्डरली पीपल चूज हिस्टोरिकल बुक्स. सीनियर सिटीजन भी बोल सकते हो आप. ठीक है जी, ओके जी, ये हमारा सेकंड टॉपिक के सारे फॉलोअप्स आगे आगे बढ़ते हैं. तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.